प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि 125 करोड़ भारतीय एक कदम चलेंगे तो देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। झारखंड की राजधानी रांची में जवाहर विद्या मंदिर शामली के बच्चे इस पर अमल कर देशवासियों को शिक्षा का अलख जगाने का संदेश दे रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत इस स्कूल के 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे मुस्कान कार्यक्रम के तहत गरीब बच्चों के बीच ईच वन टीच वन कार्यक्रम में जुटे हैं। उनको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और यहाँ आते हैं तो दीदी लोग पूरा समझाते हैं, समझ में आता है। मुझे भैया से पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और मैं स्वभावशाली हूँ जो यहाँ भैया के पास पढ़ने आता हूँ। हम ये बच्चे को बहुत पढ़ाते हैं, अब पिछले दो क्लास में इसी को पढ़ा रहे हैं और ये बहुत अच्छी है। बहुत खुशी लगता है, अंदर से मुझे संतुष्टि मिलती है और ये बच्चा बहुत ही समझदार है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव, मुझे खुद में पॉजिटिव लगता है कि समाज के किसी काम में हम आ रहे हैं। अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाता हूँ जिससे हम अपने ज्ञान को बांट सकते हैं। ज्ञान बांटने से हमारा देश तरक्की करेगा और हम अपने ज्ञान को बांट कर बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, जो गरीब बच्चे आते हैं उनको पढ़ाते हैं, मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस नेक काम में मेरा साथ देते हैं। मुस्कान कार्यक्रम से जुड़े विद्यार्थी बड़े उत्साह पूर्वक बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके साथ ही उन्हें अनाथ आश्रम, ब्लाइंड स्कूल और वृद्धाश्रम जैसी संस्थाओं में भी ले जाया जाता है ताकि उनमें समाज सेवा की भावना और तीव्र हो। बच्चे के लिए जो समाज का थोड़ा सा उपेक्षित है, उस बच्चों के लिए ये आगे भी चले और अच्छे इंसान बने। अब बच्चे जितना भी पढ़ ले मगर अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो हम सोच रहे हैं पढ़ाई का महत्व, पढ़ाई का कोई उद्देश्य नहीं चाहते। CBSE के तहत साल 2007 से मुस्कान कार्यक्रम चल रहा है जो पूरी तरह निशुल्क है। इसमें गरीब बच्चों को योजना के अंतर्गत अच्छी शिक्षा के साथ साथ कॉपी किताब, कपड़े और अन्य जरूरी चीज़ें भी मुहैया कराई जाती हैं। हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते आ रहे हैं और पढ़ाने का काम सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसमें हमारा एक मोटो एक उद्देश्य दिए हैं, ईच वन टीच वन, यानी हर विद्यार्थी, हर वॉलंटियर्स एक बच्चे को पढ़ाते। कहा जाता है कि शिक्षा सफलता के दरवाजे खोलती है। अगर परिवार का कोई एक व्यक्ति पढ़कर संवर जाता है तो उसका असर कई पीढ़ियों तक दिखता है। मुस्कान जैसे कार्यक्रम से जुड़कर ये बच्चे सचमुच में उन बच्चों के चेहरों में मुस्कान ला रहे हैं जो महंगे ट्यूशन पढ़ने से वंचित रह जाते थे और वंचित रह जाते थे विकास की दौड़ से। निश्चित रूप से ज्ञान बांटने की यह भावना ज्योत से ज्योत जला रही है। रांची से सरिता के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट।